प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। उपखंड क्षेत्र झाडौल के बागपुरा में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक दुर्गाराम मुवाल को मेवाड़ी पगड़ी, उपरना व माला पहना कर किया स्वागत। मादल व थाली की थाप पर गांव में निकाला जुलूस। पुराने बस स्टैंड पर शिक्षक का तराजू में बिठाकर किया केलों से वजन। मुवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों की दुआओं से मुझे यह मुकाम हासिल हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों का साथ व अपनी टीम का सहयोग निरंतर मिलता रहा है। आज सभी साथियों द्वारा जो मान सम्मान मिला उसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। इन शब्दों के साथ सभी ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर झाड़ौल प्रधान राधा देवी परमार, उप प्रधान मोहब्बत सिंह राणावत, श्रमिक सतकर्ता समिति राजस्थान सरकार के सदस्य अमर सिंह झाला, जिला उपाध्यक्ष प्रकाश नागदा, ओम प्रकाश चौधरी, पंचायत समिति सदस्य किशन पटेल, कुबेर मीणा, महेंद्र पटेल, महाराणा प्रताप सेना ब्लॉक अध्यक्ष महिपाल सिंह पवार, वार्ड पंच ईश्वर लोहार, सुंदर दामा, विनय पितलिया, सुंदर टेलर, कमलेश जैन, जितेंद्र सिंह झाला, भगवती टेलर, रामलाल अहारी, रमेश लखुम्बरा, राजेंद्र रालौती, पुखराज कुम्हार, प्रदीप पोरवाल, महेंद्र लोड़ा, नीरज कोठारी, मनीष चौधरी, लक्ष्मण पलात, प्रवीण तेली, करण राठौर, सुनील लोहार, आशीष जैन सहित सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे। उन बच्चों की दुआओं से राष्ट्रपति ने हमारे कार्यों को सत्यापित किया है। उन कार्यों के लिए सत्यापन जो सत्यापन हुआ उन सत्यापन में सबसे ज्यादा अगर सहयोग है तो यहाँ की जनता का, यहाँ के ग्रामवासियों का है जो उनके कारण हम वहां पहुंच पाए और जब वो हमारे कार्यों का सत्यापन हुआ हमारा वहां सम्मान हो जाता तो एक ही बात दिमाग में आई थी कि अगर गांव वाले लोगों के लिए बच्चों की कितनी दुआएं हैं कि आज मेरे को वहां जाने का मौका मिला है, इसमें मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। अभी जब मैं 9 तारीख को उदयपुर आया था तो उदयपुर रेलवे स्टेशन से लेकर प्रदेश पंचायत समिति तक ऐसी कोई स्कूल नहीं थी, ऐसे कोई कॉलेज नहीं थी जिसमें सम्मान समारोह नहीं आई होती। सबसे बड़ी कमाई तो मेरे लिए ये है कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया। उस दिन कम से कम 8 से 10 हजार लोगों ने पूरे राष्ट्र को सम्मान दिया। बच्चा भी साथ में आने वाले हैं लेकिन उसका गौर ध्यान नहीं कर पाए जो व्यस्तता के कारण। और गांव वासियों बागपुरा के काफी लोग भी पांडेगढ़ पहुंचे तो सम्मान दी और कमलेश जी रमेश जी रोज बोल गए आप हमारे कम मौका दोगे। मैं आपको बता दूं मैं कोई मौका देने वाला नहीं, मैं इस गांव का एक छोटा सा हिस्सा हूं और थोड़ी कुछ व्यस्त ऐसी हो गई थी डेली कहीं ना कहीं आपको समाज समाज होता था जब मीटिंग में जाना पड़ता था और ये आप लोगों का इतना आशीर्वाद रहा कि आज मेरे को आपसे सम्मान उठाने का मौका मिला है। आप लोगों को धन्यवाद। तो अभी जो लंबी वायरस चल रहा है इस वायरस के लिए जो गांव के लिए है गांव के लोग जितने भी ग्रामवासी हैं उनके द्वारा 1000 छोटा सा मेरी तरफ से 21 ग्रोथ है जो बहन के लिए कहना चाहूंगा ताकि थोड़ा बहुत बात कर सकें। अभी आप लोग बताया था कि राष्ट्रपति भवन तक मैं गए थे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि आप चारों प्रवासिया और बापू जगह का नाम वहां पहुंचा और खुशी होती है कि छोटी सी जगह अपने कार्य का सम्मान दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा किया गया और उस सम्मान में पूरे इंडिया से 43 टीचर थे और 43 टीचर के अंदर जो 44 टीचर मेरे अलावा थे उन लोगों ने अपने कामों को ज्यादा एप्रिशिएट किया। तो आपका काम है जो एजुकेशन से हटके एजुकेशन से जुड़ा हुआ है लेकिन एजुकेशन से बिल्कुल हटके काम किया है एक समाज के लिए काम किया वो अपना आप एक बड़ी खुशी है। मैंने बोला ये काम मैंने नहीं किया ये काम यहाँ की जनता का प्यार और आशीर्वाद है जिससे ये काम संभव हो पाया है तो मैंने काम का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और जो सम्मान समारोह करने वाली ग्रामवासियों की टीम है उस टीम का बहुत बहुत आभार कि आपने जो मान सम्मान दिया इसका अगर ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा भजन है अगर मेरे कुछ साथी अगर अदा कर पाऊंगा तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार।